इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी जिन्होंने कहा है कि लालू परिवार लूटने में लगा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर पलटवार, लालू परिवार लूटने में लगा है। नीति गलत बनेगी तो विरोध होगा ही। तेजस्वी को भी आपने सुना था, उस पर अब सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार लूटने में लगा है। ये सुनते हैं। पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, इनकी सोच धर्म तक सीमित है, विकास पर ये बात नहीं कर सकते। ये डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बोला है, पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इनकी सोच सिर्फ धर्म तक ही सीमित है। आपने सुना था तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी का ने जो पलटवार किया वो भी हमने आपको सुनाया। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, इनकी सोच धर्म तक ही सीमित है। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टिकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारेण प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है। तो सिर्फ विजय सिन्हा ही नहीं बल्कि चिराग पासवान की ओर से भी बयान आया है और उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये सब कुछ तुष्टिकरण की राजनीति है, मोदी राज में सबको योजना का लाभ मिला है, धर्म नहीं बल्कि ये लोग खतरे में हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, उस पर अब पलटवार जारी है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गरीब कल्याण की योजनाएं बनाते हैं, आप मुझे बता दीजिए कौन सी ऐसी योजना है जिसको धर्म के आधार पर बांटा गया। ये लोग तो आरक्षण को भी धर्म के आधार पर बांटते हैं जो कि पूर्णतः संविधान के खिलाफ है। ऐसे में अगर आज 81 करोड़ लोगों को देश में अगर अनाज मिल रहा है 5-5 किलो का, उसमें कहीं ये देखा गया कि ये हिंदू को बांटा जा रहा है या ये मुसलमान को बांटा जा रहा है? जब हम लोग उज्ज्वला दे रहे हैं तो उज्ज्वला हम लोगों ने कभी ये देख के तो नहीं दिया कि ये हिंदू महिला को दिया जा रहा है या मुस्लिम महिला को दिया जा रहा है, या शौचालय हिंदू महिला के घर पे बन रहा है या मुस्लिम महिला के घर पे बन रहा है। ये जब ऐसी बातें करते हैं कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, ये हकीकत में तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आप इस पाप में भागीदार बनेंगे क्या? क्या कोई इस पाप में भागीदार बनेगा क्या? इस पाप में राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौहत्या होगी क्या? और बहन और भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि हम इस पाप में कतई भागीदार न बने और इसी के लिए आज मुझे अशोक नगर में भी आना पड़ा है। अशोक नगर में इसी बात को लेकर के कि हमें विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ना है और पूरे देश की आवाज के साथ गुना संसदीय क्षेत्र को अपनी समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए एक लंबे समय तक जिस विरासत के प्रति सम्मान का भाव आपके मन में है उस सम्मान के भाव को बरकरार रखते हुए हमें नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर की जो आवाज है उस आवाज के साथ आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तो यूपी में पहले ही आश्वस्त कर दिया है, 80 लोकसभा सीट हैं,
80 की 80 लोकसभा सीटों में 80 मनकों की माला मोदी जी के गले में उत्तर प्रदेश डालने को तैयार है, और मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटें इस बार जो मुझे लार दिखाई दे रही कि 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है, और इसकी शुरुआत भी हो गई है खजुराहो से और इंदौर से, तो इसकी शुरुआत भी हो गई है, हो गई ना, आपने देख लिया है ना। तो जब शुरुआत ईश्वर ही सब करा रहा है तो फिर आपको तो उसमें और सहभागी बन जाना चाहिए। गुना में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए, और यूपी के लोगों से तो मैं बोलता हूं भाई आपने जो संकल्प लिया कैसे पूरा करेंगे। झारखंड के पलामू में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा आपने अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया, आपने एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई। राम मंदिर को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा आपके एक वोट से आज बन गया राम मंदिर, आपके एक वोट ने 370 की दीवार को जमींदोज कर दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने की बात कर रहा है, आज पाकिस्तान बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा मेरे आंसुओं में तलाश रहे अपनी खुशी, मोदी मौज के लिए नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ है। नामांकित करना एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि एक बार भी वायनाड की जो वोटरों को बताया नहीं था कि इनका मंशा ये भी है कि दूसरा एक सीट से वो लड़ने का है, तो वो बताया नहीं है, तो ये खुलकर बताना चाहिए था, जो पॉलिटिकल मोरालिटी का एक बात है, तो ना बता के वायनाड की वोटर लोगों के साथ अन्याय किया है। सिर्फ वाम दल ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी के वायनाड के साथ रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा, और वायनाड में हार के डर से दूसरी सीट पर चुनाव लड़ना राहुल की मजबूरी बताया। मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे, और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। वहीं दूसरी तरफ शतरंज के माहिर खिलाड़ी राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश एक बड़ी सियासी चाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस चाल से विरोधी चारों खाने चित हो जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में शतरंज के चैंपियन रहे रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को नसीहत दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, पुरानी रवायत कहती है कि शीर्ष पर चुनौती देने से पहले आपको अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से जीतना चाहिए। गैरी कास्परोव रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर, यानी साफ है कि राहुल गांधी के दो जगहों से चुनाव लड़ने पर चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। वहां पर भी ये बात छिड़ी है कि राहुल कहां की जनता के साथ नाइंसाफी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब हम बात करते हैं अजब गजब नामांकन की, क्योंकि आपने चुनाव के दौरान नेताओं की अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी नामांकन की, लेकिन जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि नेताजी जरा हटके हैं। देखिए जरा, कोई भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचा
तो कोई गधे की सवारी कर, तो कोई नींबू मिर्च की माला डालकर घूम रहा, कोई बजा रहा है डुगडुगी और ढोलक। ये सारे प्रत्याशी जरा हटके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन भरने जब ये उम्मीदवार पहुंचे तो इनका अलग अलग रंग और अलग अलग अंदाज नजर आया। वैसे तो नामांकन के दौरान कोई महंगी गाड़ियों के काफिले से पहुंचता है, तो कोई अपने चार्टर्ड प्लेन से, लेकिन इन प्रत्याशियों का अंदाज ही जुदा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया इनके नामांकन वाले वीडियो से भरा पड़ा है। ये तस्वीरें बंगाल के पुरुलिया की है। प्रत्याशी निर्दलीय हैं और जब अजीत महतो नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके नामांकन से ज्यादा उनके नामांकन में शामिल भेड़ और बकरियों की चर्चा होने लगी। समर्थकों के साथ भेड़ बकरियां भी नामांकन रैली में साथ दिखाई दी। इतने तक तो ठीक ही था, लेकिन अब अजीत महतो यानी उम्मीदवार को भी देख लीजिए, ये गाड़ी या प्लेन से नहीं बल्कि भैंस पर बैठकर शान से चलते दिखाई दिए। रैली में भेड़ बकरियां भीड़ बढ़ाने के लिए थी या फिर कुछ और, लेकिन ये महतो का अंदाज जरा हटके है। कहावत है घोड़ों के साथ गधे भी रेस में दौड़ेंगे, लेकिन यहाँ गधा रेस में नहीं बल्कि नामांकन जुलूस में दिख रहा है। बिहार के गोपालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर बैठकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे। आगे आगे गधे पर प्रत्याशी हैं, तो पीछे पीछे मुट्ठी भर समर्थक। गधा भी सोच रहा होगा कि हाय रे किस्मत, क्या जमाना आ गया है। आपने दुकानों पर सुबह सुबह नींबू मिर्च की माला टांगते लोगों को देखा होगा जो बुरी नजर से बचाने के लिए लगाई जाती है, लेकिन जनाब इन्हें देखकर धोखा मत खाइए। ये नींबू मिर्च टांगने वाले नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि खुद पर नींबू मिर्च की माला डालकर ये बुरी नजर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तमिलनाडु के कोयंबटूर से नामांकन करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नूर मोहम्मद का बजट थोड़ा कम है, इसीलिए वो खुद ही डुगडुगी बजाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। ये है अमरेश राय। कुछ दिनों पहले तक हाथ में लालटेन लेकर चलते थे, लेकिन समय का पहिया घूमा और लालटेन छूटकर हाथों में ढोलक आ गई। अब तक लालटेन जलाते थे, लेकिन अब ढोलक बजा रहे हैं। अमरेश राय बिहार के समस्तीपुर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब तक तेजस्वी के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो राय साहब बागी हो गए। अब तक हेलीकॉप्टर से आरजेडी नेताओं के साथ घूमते थे, लेकिन अब बैलगाड़ी पर आ गए। पर्चा दाखिल करने पहुंचे बैलगाड़ी से। चंद समर्थक थे, ढोलक थी, मंजीरे थी और था अलग अंदाज। अजब गजब प्रत्याशियों के इस लिस्ट में बीजेपी के उम्मीदवार भी शामिल है। पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी कमलजीत सहरावत मिनी ट्रक से नामांकन करने पहुंची। खुद सारथी बनी दिखाई दी तो समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी नजर आए। ये लोकतंत्र का पर्व है जहां जनता ही माए बाप होती है और उन्हें खुश करने के लिए नेता अलग अलग दांव और हथकंडे अपनाते हैं। कहावत है ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के उस तुष्टीकरण वाले बयान की करेंगे, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं से ये बयान चर्चा में है। दरअसल बड़ी खबर ये है, तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए सनातन धर्म को लेकर कहीं ना कहीं से तुष्टीकरण को रुख जो है वो अपनाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति